हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बस अब जा रही हूँ मैं किचन में अपने खाने की तैयारी करने के लिए। लंच की तैयारी करनी है क्योंकि क्लास वगैरह सब हो चुकी है। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, मसूर की दाल और रोटी चावल। सब्जी में आज मैं बनाऊँगी पनीर का टिक्का फ्राई करके। मैंने एक पैन मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। पनीर, ये मैंने पैन मंगाया है पनीर को ग्रिल करने के लिए। वर्मा जी को ग्रिल वाला पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और मेरा फ़ोन बज रहा है, एक सेकेंड रुकिए, मैं फ़ोन पिक करती हूँ। पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है जो कि मैंने न्यू मंगाई है मेरा लिंक से। मैं इसका स्टिकर निकाल रही थी तो हल्का सा नीचे से गैस ऑन किया तो वो जैसे ही गर्म होता है ना वैसे ही अपने आप निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है मेरे हाथों में, तो ये है डॉल्फिन लाइटर जो कि मैंने अगेन नया मंगाया है। ये 199 रुपीज़ का है और बस इस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं तो गैस ऑन हो जाती है, मतलब जल जाती है। और ये एक सेल से चलता है, मतलब इसमें एक सेल लगा देंगे तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जो कि इंडक्शन फ्रेंडली है। अगर आपके पास इंडक्शन है तो भी बहुत अच्छा है, मेरे पास तो खैर अभी इंडक्शन नहीं है। और इसके साथ लिड भी मिलता है, स्टील का लिड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। सो मैंने अभी इसको नया ही मंगाया है तो आज मैं इसमें पहली बार खाना बना रही हूँ। तो दाल फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और प्याज को मैंने चॉप करके डाला है। एक्चुअली मेरा चॉपर भी ख़राब हो गया है तो मुझे चॉपर भी मंगवाना है। ये देखिए ये लिड है, मैं आपको दिखा रही थी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई है। ये ब्राउन कलर नीचे है और कई साइज़ में वहाँ पे अवेलेबल थी तो मैंने तो 2 लीटर की कढ़ाई ली है ये, जो कि मुझे 810 रुपए की पड़ी है। मैंने ये मेरा लिंक से मंगाया है, इनकेस आप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये एलुमिनियम की कढ़ाई है। तो यहाँ पे प्याज भुन गया था तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे जैसे नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने दाल उबाल ली है। दाल मैं आज मसूर की दाल बना रही हूँ तो इसको जब भून लेंगे अच्छे से उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। तो यहाँ हमारी दाल बन गई है, मैं इसको ढक दूंगी। और ये देखिए मैं आपको नीचे से दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छी, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। जब बर्तन नया होता है तो काफ़ी सुंदर लगता है ना देख करके बनाने में, खाने में। सो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया है कुकर में और मैं इस लाइटर से इसको ऑन कर दूँगी। देखा आपने कितनी जल्दी ये जल गया। तो ये लाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसमें कई कलर भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और मेरा लिंक से शॉपिंग करना बहुत इजी है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये नया तवा भी मंगाया है जो कि ट्रेडिशनल वाइट आयरन नॉर्मल तवा है 9 इंच का। इसका प्राइस 349 रुपीज़ है। और आयरन हमारी, मतलब हमारे लिए कितना अच्छा होता है आपको पता ही है। जब मैं इस घर में आई थी ना तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन खरीद लिए थे, बट फिर अब मैं उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर रही हूँ, जैसे कि आयरन का तवा होना चाहिए। सो वही मैंने यहाँ पे मंगाया है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आप वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने में डर लगता है कि आप कैसे शॉपिंग करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इनकेस आपको इसमें से कुछ लेना है तो। ये देखिए हैंडल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर पनीर को सौते करने, तो इसके लिए वर्मा जी को बहुत ग्रिल वाला पनीर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन
पैन मंगाया है। तो ये देखिए, आप ग्रिल देख रहे हैं ना इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा मैं घी डालूंगी और पनीर के क्यूब्स काट के इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ऊपर से सिर्फ स्प्रिंगल कर दूंगी बस। और ये बहुत ही, अभी आप देखिएगा, एकदम बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाएगा, मतलब ग्रिल हो जाएगा। क्योंकि मेरा लिंक में शॉपिंग करना बहुत ईजी है, यहाँ पे रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी बहुत अच्छी है। मैं आपको अपना एक कूपन कोड दे दूंगी जो कि मेरा लिंक 10 है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ना आप कितनी जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे स्प्रिंगल कर दिया, और इसके साथ ये स्पैटुला भी मिला है। मैं इसको हल्के हाथों से पलट दूंगी, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही साइड दिखाया है, अभी आपको मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ। बहुत ही गोल्डन ब्राउन एकदम पनीर ग्रिल हुआ है, तो इसमें मशरूम भी बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है ग्रिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं मशरूम भी बनाने वाली हूँ। जब तक पनीर ग्रिल हो रहा है, चलिए अपनी, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी खिचड़ी रखी थी उसको मुझे गरम करना है। तो यहाँ मैंने लिया है तड़का पैन जो कि एलुमिनियम का है, और ये भी मैंने मेरा लिंक से ही शॉप किया है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मेरा यहाँ पे लंच तैयार है, देखिए इधर दाल हो गई है, चावल में मैंने सीटी लगा दिया है, और यहाँ पर पनीर मेरा ग्रिल हो चुका है, मेरी ये खिचड़ी भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, रोटियाँ मैंने सेक ही ली है, इसका हैंडल काफ़ी अच्छा है। सो चलिए अब गर्म गर्म अपना लंच करते हैं, और मिलती हूँ फिर मैं आपको सीधे लंच के बाद। गुड इवनिंग वर्मा जी। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? यार मैं बॉटल भर रहा हूँ। बॉटल भर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आजकल हमने ये इसमें कर लिया ना शुरू पीना। हाँ, तांबे के उसमें। हाँ, कॉपर की बॉटल्स में। कॉपर, अब मैं सोच रही हूँ कॉपर का एक घड़ा ही ले लेते हैं। हाँ, दैट विल बी बेटर ना। घड़ा मींस पॉट, कॉपर का। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस बार हमने ये बॉटल मंगाई है, ये मेरा लिंक से मैंने मंगाई है, और ये भी कॉपर की है। ये पेंट होने से ये अच्छा है ना कि अगर गंदा हो जाता है तो आपको बाहर मतलब दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी काला हो जाता है ना। तो वैसे तो हो जाएगा, लेकिन ये काला तो साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा, जैसे कि ये ग्लास मैं अंदर से साफ करती रहती हूँ। ये इसके साथ ग्लास नहीं है इस बारी, इसके साथ सिर्फ मतलब ये सिर्फ बॉटल ही मिली है इस बार, इसमें ग्लास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ग्लास दो थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो बॉटल ही मंगा लेते हैं। और ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पानी भर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है ये बॉटल जिसमें कि ये बना हुआ है, और वाइट कलर का इसमें ढक्कन भी लगा है, काफी अच्छी बॉटल है। पीहू को बहुत पसंद है इसका कलर। ये कार्टून है ना? वो कार्टून है ये। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये अपने शाम की तैयारी, शाम की पीनट बटर दूध। तो ये कप, ये मैंने वर्मा जी को क्रिसमस गिफ्ट दिया है, मैरी क्रिसमस। थैंक यू यार, अच्छा है कप काफी। अच्छा है ना, मैरी क्रिसमस। तो यहाँ पे ये दूध गर्म कर रहे हैं अपने लिए, चलो ले लो ले लो ले लो। तो अगर आप इस बॉटल को लेना चाहते हैं तो आज इसमें डील ऑफ दी डे चल रहा है, 599 रुपीज़ में आपको ये बॉटल मिल जाएगी। और ये भी मैंने मेरा लिंक से ली है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कॉपर बॉटल है तो हमारी हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे वर्मा जी अपना शाम का दूध तैयार कर रहे हैं, वो चाय नहीं पीते हैं, कभी कभी दूध ले लेते हैं, वैसे वो ग्रीन टी ही पीते हैं। सो आज ये नए कप में ही ले पीने जा रहे हैं, और ये मैंने उनको गिफ्ट किया है क्रिसमस में, ये भी मैंने मेरा लिंक से ही शॉप किया है, और इसका प्राइस 319 रुपीज़ है। वाह भाई वाह, तो नए नए कप में पिया जा रहा है यहाँ पे दूध, और कैसा लग रहा है नए कप में दूध पी के? क्रिसमस फील यहाँ पे, क्रिसमस ट्री और यहाँ पे क्रिसमस कप। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ, मैं तो अदरक वाली चाय पी रही हूँ गरम गरम। और यहाँ मैंने लिए हैं ये नए मैंने कप मंगाए हैं,
इसमें प्लेट और कप दोनों का सेट है ये, और 6 कप का सेट है। 180 ml इसमें चाय या कॉफ़ी आ जाएगी, और काफ़ी अच्छा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपके कोई घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप अपने लिए चाय इसमें अपने गेस्ट को दे सकते हैं। काफ़ी सुंदर फ्लोरल प्रिंट है। तो घर में मेरे गेस्ट तो कोई नहीं आया है, मैं अपने को ही गेस्ट मान करके आज कप प्लेट में चाय पीने जा रही हूँ। और इसका प्राइस 1212 रुपये है। थैंक यू। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और कल की चाय के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ऐसे ही मेरा थोड़ा मन नहीं ठीक था कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और अभी 11 बज रहे हैं, पीयू की क्लास स्टार्ट होने वाली है। पीयू बैठी है इधर ही पे। और हाँ, मेरे घर पे शादी है मेरे मायके साइड में, और मैं नहीं जा पा रही हूँ। मेरे भाई की शादी है, मेरे मामा जी के बेटे की शादी है। मतलब सोचा था कि ज़रूर जाएंगे, मगर अभी एक तो ओमिक्रोन के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। फिर पीहू वर्मा जी की छुट्टी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पहले। तो पीहू भी छोटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। जनवरी की शादी है, सो जनवरी तो अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो यही सब बातें सोच रही थी मैं, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। सो मैंने सिक्स काउंट किया आपने? पीयू एडिशन सीख रही है, मैं उसको एडिशन सिखा रही हूँ। तो वही है कि घर में शादी है, जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, हाँ, अगर आप ये सारे जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं इस वीडियो में, कुछ भी अच्छा लगता है तो सबकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने मेरा लिंक से शॉप किया है, काफ़ी अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप वहाँ से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी भी अच्छी है। तो चलो भाई, ये जल्दी से एडिट करती हूँ वीडियो, और आज ही आपको ये वीडियो व्लॉग देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।